सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। हिंदू धर्म में सत्य को ही भगवान का रूप माना गया है। भगवान को पाने के लिए केवल सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो भक्तों को भगवान से सीधा जोड़ सकता है। सत्य नारायण कथा के मूल में भी कुछ ऐसा ही भाव दिया गया है। सत्य नारायण कथा सनातन धर्म में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, खास करके गृहस्थ के लोग। मित्रों, कथा सुनना अलग बात है, उसका अनुसरण करना अलग बात है। सत्य नारायण का अर्थ यानी सत चित आनंद, सच्चिद आनंद, उस परम सत्य यानी सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही शिव है, सत्य ही भगवान विष्णु, यानी सत्य का पूजन करना, सत्य का मनन करना, सत्य का पालन करना, वास्तव में भगवान नारायण का व्रत करना, भगवान नारायण की पूजा करना एक ही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान सत्य नारायण यानी श्री हरि विष्णु, हमारे वेदों के अनुसार इंद्र भगवान का दर्प भंग करने के लिए विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या की थी। वहीं पर नारायण ने सत्य को धारण किया था और सत्य नारायण कहे जाने लगे। तभी से सत्य नारायण जी की कथा में सत्य का पालन और झूठ का त्याग करने का संदेश देते हुए सत्य कथा सुनाई जाती है। इस व्रत का फल क्या वो कब या किस प्रकार होगा। सत्यनारायण व्रत की कथा में जब भी आप सुनेंगे तो आपको कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, उसमें मिलेगा एक कहानी है कि वो लकड़हारा है या वो नाय वाला है, वो झूठ बोलता है, भगवान जाते हैं उसको दर्शन देने तो झूठ बोलता है कि नहीं मेरी नाव में घास फूस रखा है, फिर वो तथास्तु कर देते हैं। जब वो देखता है कि घास फूस रखा है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वास्तव में माल मुद्रा छिपी होती है। छोटी सी झूठ कितनी बड़ी घातक सिद्ध होती है, ये हमें सत्यनारायण व्रत कथा से मिलती है। हमारा एक ही मूल सिद्धांत है, सत्य का पालन करना सत्यनारायण व्रत कथा करने के समान है। सत्यनारायण जी की पूजा करने के लिए भक्त को पूरे दिन का व्रत रखना होता है। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके पूजा की चौकी रखी जाती है। इस चौकी के चारों पाए पर केले के पत्ते लगाए जाते हैं। फिर चौकी पर सत्यनारायण जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है। लेकिन पूजन के दिन रखा जाने वाला व्रत इतना आसान नहीं होता, इसके लिए कुछ खास नियम है। नारायण भगवान को पाने के लिए हमें सबसे पहले सत्य और असत्य के बीच के फर्क को समझना होगा, साथ ही दिखावे की जिंदगी को त्याग कर असल को अपनाना होगा, यानी हम जैसे हैं दूसरों के सामने वैसे ही रहें। मित्रों, आप बार बार सत्य और झूठ के पीछे पड़े होंगे। दरअसल झूठ क्या है? जो हम नहीं होते हैं वही दिखाने की कोशिश करते हैं, वही करने की कोशिश करते हैं, वही बताने की कोशिश करते हैं, ये झूठ है। जो हम होते हैं अंदर वही हम बाहर होते हैं, यानी बाह्य और अभ्यंतर में दोनों तरह से जो हम हैं वही दिखाते हैं, वही अनुसरण करते हैं, वही करते हैं, यही सत्य है। तो जीवन को सुगम बनाने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए जो आप हैं अगर वही दिखेंगे, आप जीवन में कभी परास्त नहीं हो सकते, परेशान नहीं हो सकते। संसार में हर दुख और दर्द का कारण असत्य है, तो ऐसे में सत्य नारायण व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सही मायनों में अपने दुखों और परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा
हमारे लिए जीवन की तमाम विविधताओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा और अचूक उपाय है। आज से ही सत्य का पालन करें और अपनी जिंदगी में सुख और शांति का समावेश करें। बोले सत्यदेव भगवान की।